हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर वी में। और अगर आपका बजट है 15,000 रुपीज़ का और आप सोच रहे हैं एक नया एंड्रॉयड स्मार्टफोन लेने का, तो ये वीडियो बेशक आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ ऐसे 5 लेटेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो कि लॉन्च हुए हैं अभी अगस्त सितंबर 2017 में। बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन्स हैं। इन 5 एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में से एक अपने लिए सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हर किसी की ये ज़रूरत अलग अलग होती, तो उस हिसाब से आप इन 5 स्मार्टफोन्स में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये 5th नंबर पे जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है वो है एल जी Q6। पहले ही मैं आपको बता दूं, इस प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन इस वजह से नहीं है कि इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत टॉप नॉच आपको मिलते हैं। स्पेसिफिकेशन जो हैं प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपको एवरेज मिलते हैं, लेकिन ये जो फ़ोन इस प्राइस सेगमेंट में इस काउंटडाउन में इस वजह से है क्योंकि ये जो फ़ोन है वो दिखने में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये जो फ़ोन है वो दिखने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम, बहुत ही ज़्यादा फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की फील देगा, क्योंकि यहाँ जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है बहुत ही ज़्यादा। बेजल्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ क्विक स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ आपको स्क्रीन मिलती है 5.5 इंचज़ की फुल HD डिस्प्ले, जिसका एक्सपेक्ट रेशियो है 18:9 का। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 1.4 GHz का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435। GPU की बात करें जो कि आपको गेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला वो है एड्रीनो 505। रैम की बात करें तो 3 GB की रैम मिलती है और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। कैमरा की बात करें तो यहाँ आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 13 MP का, जो कि आपको डुअल टोन LED फ्लैश के साथ मिलता है, लेकिन फ्रंट में आपको सिर्फ एक 5 MP का कैमरा मिलता है जिसमें कि फ्लैश नहीं है। बैटरी की बात करें तो यहाँ आपको सिर्फ 3000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि नॉन रिमूवेबल है, और साथ ही साथ क्विक चार्जिंग को भी सपोर्ट नहीं करती है, ना ही इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को आपको मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है ये फ़ोन है वो आपको मिलता है वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ। प्राइस की बात करूँ तो ये है 12,990 रुपीज़ का। 4th स्मार्टफोन की तरफ बढ़े तो वो है माइक्रोमैक्स कैनवस इन्फिनिटी। तो फ्रेंड्स, ये जो फ़ोन है वो फ़ोन भी दिखने में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बेजल्स इसमें भी बहुत ज़्यादा कम है, प्रीमियम लुक आपको देखने को मिलता है। लेकिन प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको जो प्राइस यहाँ पे देखने को मिलती है वो मिलती है 10,000 रुपीज़ की, जो कि एल जी Q6 से आपको करीब करीब 3,000 रुपये कम मिलेगी। जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात करें तो यहाँ जो स्क्रीन है आपको वो मिलती है 5.7 इंच की HD डिस्प्ले, जिसका एक्सपेक्ट रेशियो है 18:9 का। प्रोसेसर की बात करो तो यहाँ आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 425, वही 1.4 GHz पे क्लॉक्ड किया हुआ। GPU की बात करो तो यहाँ आपको GPU मिलता है एडिनो का 308, जो कि थोड़ा सा एल जी Q6 से कम है। रैम वेरिएंट की बात करो तो यहाँ आपको मिलती है रैम 3 GB की और इंटरनल स्टोरेज 32 GB का मिलता है। साथ ही साथ कैमरा की बात करें तो यहाँ आपको 13 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है जो कि LED फ्लैश के साथ है, और फ्रंट फेसिंग कैमरा वो है 16 MP का, जिसमें कि आपको LED फ्लैश मिलता है, यानी आपको दोनों फ्रंट और बैक कैमराज के साथ LED फ्लैश भी देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करो तो यहाँ जो बैटरी है वो 20 mAh कम है पिछले LG Q6 से। यहाँ जो बैटरी है वो है 2980 mAh की, जो कि रिमूवेबल है और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, और प्राइस तो मैंने आपको बताई थी वही 10,000 रुपीज़। 3rd स्मार्टफोन की तरफ बढ़े तो वो है Xiaomi Redmi Note 4। ऑब्वियसली ये फ़ोन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं रिकमेंड करूँगा इस फ़ोन को। तो ये जो फ़ोन है वो इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ आपको स्क्रीन मिलती है 5.5 इंचज़ की फुल HD डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ प्रोसेसर आपको मिलता है 2.0 GHz का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625। GPU मिलता है आपको एडिनो 506, जो कि LG Q6 से बेहतर है। रैम आपको देखने को मिलेगी 4 GB, जो कि अगेन LG Q6 से और माइक्रोमैक्स कैनवस इन्फिनिटी से ज़्यादा है। स्टोरेज मिलती है इंटरनल 64 GB की। कैमरा की बात करें तो 13 MP का मेन कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश, और फ्रंट में आपको मिलता है 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। बैटरी की बात करें तो ये जो फ़ोन है आपको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देने वाला है, क्योंकि यहाँ जो फ़ोन है वो मिलता है आपको 4100 mAh बैटरी के साथ, जो कि नॉन रिमूवेबल है और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो यहाँ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और जो प्राइस सेगमेंट रखी गई है उसकी जो इंडियन प्राइस है वो है 10,999, यानी कि 11,000 रुपीज़। साथ ही साथ 2nd स्मार्टफोन की तरफ बढ़े तो वो है Huawei Honor 6X। ये जो फ़ोन है उसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ आपको जो स्क्रीन मिलती है वो है 5.5 इंचज़ की फुल HD डिस्प्ले। प्रोसेसर जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है आपको ऑनर Huawei का अपना ही किरिन 655, जो कि है एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर जिसमें कि 4 कोर्स हैं वो क्लॉक किए गए हैं 2.1 GHz पे, और बाकी के जो 4 कोर्स हैं वो क्लॉक किए गए हैं 7.1 GHz पे। GPU की बात करें तो यहाँ आपको माली का
T830MP2 देखने को मिलता है। गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा देखने को आपको मिलेगा। रैम वेरिएंट यहाँ पे दो हैं, वो है 4GB और 3GB की। और स्टोरेज में भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 32GB स्टोरेज और 64GB स्टोरेज। एक्चुअली जो रैम और स्टोरेज वेरिएंट है वो ऐसा नहीं है कि आपको 4GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। यहाँ जो फ़ोन है वो स्टोरेज के हिसाब से दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जो कि है 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज का। कैमरा की बात करो तो यहाँ जो है कैमरा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ आपको देखने को मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, वो भी 15,000 से नीचे के स्मार्टफोन में। जो कैमरा आपको देखने को मिलता है पहला बैक में वो है 12 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी जो बैक में दूसरा कैमरा है वो मिलता है 2 मेगापिक्सल का, जो कि फेस डिटेक्शन और ऑटो फोकस LED फ्लैश के साथ आपको मिलता है। यहाँ जो है फ़ोन आपको कैपेबल बनाएगा डेप्थ सेंसिंग फोटोग्राफी करने के लिए, जो कि DSLRs में आपको देखने को मिलती है। फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, जो कि फ्लैश के साथ है। और बैटरी की बात करो तो यहाँ बैटरी आपको एवरेज देखने को मिलती है, स्क्रीन साइज के हिसाब से जो बैटरी है वो है 3340 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी। और साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर। प्राइस की बात करें तो यहाँ प्राइस आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 12,999 रुपीज़ का, वहीं 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा आपको 10,999 रुपीज़ का। और जो नंबर वन पे जो हमारे स्मार्टफोन है वो है लेनोवो K8 नोट। ऑब्वियसली ये फ़ोन जो है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको स्पेसिफिकेशन देता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले, जो कि प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है MediaTek का हेलियो X23, जो कि है एक डेका कोर प्रोसेसर, यानी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 10 कोर 2.3 GHz पे ये क्लॉक प्रोसेसर आपको मिलेगा। GPU की बात करें तो यहाँ आपको GPU मिलता है माली का T880MP4, जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा देने वाला है। रैम की बात करें तो यहाँ आपको रैम देखने को मिलती है 3GB की और 4GB की। इंटरनल स्टोरेज जो है वही 32GB और 64GB की, जो वेरिएंट है एक्चुअल में फ़ोन आपको मिलेगा वो मिलेगा 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। कैमरा की बात करो तो ये कैमरा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको फोटोग्राफी एक्सपीरियंस देने वाला है, क्योंकि आपको बैक में देखने को मिलता है यहाँ पर भी डुअल कैमरा सेटअप। डुअल कैमरा सेटअप में जो एक कैमरा है वो मिलता है आपको 13 मेगापिक्सल का, दूसरा जो कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का। और फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस और डुअल टोन LED फ्लैश भी आपको देखने को मिलता है। ये फ़ोन जो है आपको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से डेप्थ सेंसिंग फोटोग्राफी एनेबल करेगा, जो कि DSLR में आपको देखने को मिलती है। और फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। तो कुल मिला के ये जो फ़ोन है वो कैमरा के हिसाब से अब तक का सबसे अच्छा फ़ोन है। और प्रोसेसर भी देखा जाए तो यहाँ प्रोसेसर भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। डिस्प्ले में भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो यहाँ बैटरी में भी इसने बाकी स्मार्टफोन्स को पछाड़ दिया है। जो बैटरी आपको देखने को मिलती है वो बोलती है 4000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी, जो कि टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ इसमें मिलता है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर। और बात करें प्राइसिंग की तो यहाँ आपको 3GB रैम 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा 11,999 यानी 12,000 का, और साथ ही साथ 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा 12,999 यानी 13,000 रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स ये तो थे 5 स्मार्टफोन्स, लेकिन मेरे पास आपके पास एक और स्मार्टफोन है। अगर आप 1,000 रुपये थोड़े से ऐड करके अपने बजट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो यहाँ आपको जो है इन सभी स्मार्टफोन से बेहतर एक स्मार्टफोन, जो कि है मोटो G5S Plus, वो आपको देखने को मिलता है। इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ आपको स्क्रीन मिलती है 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले, जो कि प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 2.0 GHz का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625। GPU की बात करें तो आपको एड्रीनो 506 देखने को मिलता है, वो जहाँ आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देने वाला है। प्रोसेसर के हिसाब से आपका जो परफॉर्मेंस है फोन की वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। रैम वेरिएंट वही आपको 3GB रैम और 4GB रैम में मिलते हैं। स्टोरेज मिलता है 32GB और 64GB स्टोरेज। और एक्चुअल में जो फ़ोन है वो मिलता है आपको 3GB रैम 32GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के साथ या फिर 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के साथ। अब बात करें कैमरा की, यहाँ आपको कैमरा में आपको पीछे देखने को मिलता है डुअल कैमरा सेटअप। दोनों ही कैमरा आपको देखने को मिलते हैं 13 मेगापिक्सल के डुअल टोन LED फ्लैश के साथ, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस भी। और फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसमें कि आपको फ्रंट में देखने को मिलती है LED फ्लैश। बैटरी की बात करो तो यहाँ बैटरी आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, लेकिन क्योंकि यहाँ आपको टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है तो यहाँ बैटरी आपको मैं आपको बता दूँ 3000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है, जो कि टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है।
तो प्राइसिंग की बात करो तो यहाँ आपको 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज वाला वेरियंट पड़ेगा 15,000 रुपीज़ का, और 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको मिलेगा 16,000 रुपीज़ का। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है 15,000 रुपीज़ तक का आपका बजट है तो आपको 1,000 रुपये मिला के यही लेना चाहिए। बाकी अगर आपके पास टाइट बजट है तो मैं रिकमेंड करूंगा लेनोवो K8 Note। तो फ्रेंड्स ये थे वो 5 एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स जो कि अगस्त और सितंबर 2017 में लॉन्च हुए थे 15,000 के प्राइस सेगमेंट में, और आशा करता हूँ इनमें से एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन आप जरूर प्रेफर करेंगे, बाय करेंगे। आपको कौन सा एंड्रॉइड स्मार्टफोन इन सभी में से पसंद आया, साथ ही साथ जो बोनस स्मार्टफोन था उसे प्रेफर करना आप पसंद करेंगे या नहीं करेंगे वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा उसे जरूर दबा दीजिए, साथ ही साथ बगल में मिलेगा आपको एक बेल आइकन, जैसे दबाने से होगा ये कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाएगा, और उसके साथ साथ ही साथ आप जल्दी से वीडियो को देख पाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।